हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अभी मैं जस्ट अपना फ़ोन पे देख पा रहा हूँ, मेरे को दो अपडेट मिले, एक iOS 17.7 और iOS 18 का भी अपडेट आ गया। ठीक है, इसमें तो लिखा गया है जो अपडेट किया गया है लेकिन सिक्योरिटी बग्स को फिक्स किए गए हैं। ठीक है, बट मैं यार डायरेक्टली iOS 18 को अपडेट करता हूँ, देखता हूँ उसके बाद क्या होता है, मिलता हूँ मैं आप सबों से। तो अभी मैं करंटली आपको स्टोरेज वगैरह बताना चाहूँ तो बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अभी जो है 72.67 GB लेफ्ट है मेरे में। ठीक है, मेरा 128 GB स्टोरेज है और iOS 17.6.1 का है 11.46 और सिस्टम डेटा है 6.28 GB। तो चलो उसके बाद मिलता हूँ अपडेट करने के बाद। तो मैं अभी जस्ट iOS 18 अपडेट में लगाया ही था, तो देख सकते हो आप यार फेल्ड हो गया, एन एरर अकर्स ड्यूरिंग डाउनलोडिंग iOS 18। पता नहीं क्यों, किस वजह से फेल्ड हुआ। मे भी कह रहा है वो पहले 17.7 डाउनलोड करो, ठीक है, उसके बाद 18 पे आप शिफ्ट हो सकते हो। तो चलो मैं 17.7 को डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। तो लगा दिया हूँ अभी 17.7 को डाउनलोड होने में। ठीक है, ये अपडेट होता है, देखता हूँ उसके बाद 18 का आता है या नहीं आता है, क्योंकि वो कुछ आइडिया नहीं है अभी। तो चलो पहले इसको अपडेट करके मिलते हैं यार। तो ये आप देख सकते हो फाइनली 17.7 का अपडेट हो गया है कम्प्लीट। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। उसके बाद देख सकते हो बैटरी हेल्थ 88% है, 1% का ड्रॉप हुआ है, 89 था तो 1% का बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज 2 GB बढ़ा है, 72 था तो 74 हो गया है। उसके बाद iOS 17.7 यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद सिस्टम डेटा 5.21 GB हो गया है। तो चलो यार देखते हैं फिर से अपडेट में, 18 का अपडेट दे रहा है या फिर अभी नहीं दे रहा है। दे दिया है तो चलो लगाते हैं अपडेट में अब। उसके बाद तो मैं लगा दिया हूँ, इससे पहले तो फेल्ड हो चुका था। ठीक है, अभी मैं फिर से लगाया हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है, इस बार भी फेल्ड होता है या फिर जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बताता हूँ गाइस। तो फाइनली iOS 18 डाउनलोड हो गया है और वेरीफाई अपडेट पे गया है। चलो देखते हैं यार क्या होता है अपडेट के बाद। अभी अपडेट वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैं अपडेट करने के लिए ट्राई किया, फेल्ड हुआ, क्योंकि उसने पहले 17.7 का अपडेट लिया, ठीक है, उसके बाद iOS 18 पे शिफ्ट हुआ, तो जिसके वजह से इशू कर रहा था। तो अभी जब मैं 17.7 का अपडेट कर लिया, उसके बाद जब iOS 18 का अपडेट किया तो नॉर्मली अपडेट हो गया। तो यार देखो कितना टाइम लगता है ये वेरीफाई होने में, वेरीफाई होने के बाद ही अपडेट होता है, क्योंकि यार इसमें तो अभी है वारंटी में फ़ोन मेरा, तो थोड़ा सा तो उतना टेंशन नहीं है, डेटा भी बैकअप नहीं किया हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। तो फाइनली रीस्टार्ट पे चला गया है फोन मेरा। किसी न्यू वीडियो में मिलेंगे का फ्यूचर के बारे में, क्या क्या iOS 18 में चेंज हुआ अपडेट के बाद। देखता हूँ और कुछ इशू आता है तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर न्यू वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो जरूर बताएं कॉमेंट करके। थैंक यू गाइज।